हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में हम मार्केट सेगमेंट समझेंगे, मार्केट में कितने टाइप के सेगमेंट्स होते हैं और ईच एंड एवरी सेगमेंट्स में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। तो तीन तरह के सेगमेंट्स होते हैं टोटल, कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सिंगल सेगमेंट समझते हैं हम लोग। फर्स्ट सेगमेंट होता है कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में आप शेयर्स बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बाइंग आप करके होल्ड रख सकते हो, बट सेलिंग आपको सिर्फ इंट्राडे ही अलाउ है। इंट्राडे मतलब आपको सेम डे पोर्शन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाटा स्टील शेयर इंट्राडे के लिए सेल किया कैश मार्केट में, तो आपको 3:30 बजे के पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले 3:15 या 3:20 को वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। लेट से अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी शॉर्ट पोजीशन क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, तो कैश मार्केट में सेलिंग इंट्राडे के लिए अलाउ है, बट बाइंग आप करके होल्ड रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पर आपको 100% मार्जिन देना पड़ता है, 100% मनी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने 50 शेयर टाटा मोटर खरीदे, तो जो भी 50 शेयर मल्टीप्लाई बाय टाटा मोटर्स का रेट है, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपको पूरा का पूरा ब्रोकर को पे करना पड़ता है। तो आपको 100% मनी पे करना पड़ता है। लेट्स से आपने अगर 2 लाख रुपए का माल खरीदा, तो 2 लाख रुपए पूरा का पूरा ब्रोकर को पे करना पड़ता है। एंड यू कैन ट्रेड इन एनी क्वांटिटी, मतलब आप कितनी भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेट से आपको 1 शेयर बाय करना, आप 1 शेयर बाय कर सकते हो। लेट से आपको 10 शेयर बाय करना, 10 शेयर बाय कर सकते हो। लेट से आपको एक साथ 2000 शेयर बाय करना, 2000 शेयर बाय कर सकते हो। सो कैश मार्केट में कोई क्वांटिटी प्रीडिफाइंड नहीं है, कैश मार्केट में आप अपने पॉकेट साइज के हिसाब से क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। कैश सेगमेंट डू नॉट वर्क इन फॉलिंग मार्केट। कैश सेगमेंट गिरते हुए मार्केट में ज्यादातर काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इंट्राडे में ही आपको सेलिंग अलाव है और बाइंग आपको कैरी फॉरवर्ड में अलाव है। मतलब आप शेयर्स आपने खरीदा और आपके खरीदते ही स्टॉक नीचे चला गया, तो ज्यादातर लोग नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स, ज्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर बन जाते हैं। मतलब लेट से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, लेट से स्टॉक ऊपर गया तो वो ट्रेडर बन जाते हैं। तो कैश सेगमेंट में एकदम सिंपल फंडा है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया और अगर वो ऊपर गया तो आप ट्रेडर बन जाओगे, नीचे अगर वो स्टॉक नीचे गया तो आप इन्वेस्टर बन जाओगे। ये ज्यादातर लोग इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कैश सेगमेंट में। एंड यू कैन होल्ड शेयर फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो कई लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग 20 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना, करेक्ट। तो ये था कैश सेगमेंट। अब बात करते हैं फ्यूचर सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर अलाउड। मतलब आप कैरी फॉरवर्ड पोजिशन रख सकते हो किसी भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में भी, बाइंग में भी एंड सेलिंग में भी। लेट्स से आपको लगता है टाटा मोटर ऊपर जाएगा, तो आप बाय करके होल्ड रख सकते हो कैरी फॉरवर्ड कितने दिनों के लिए भी। लेट्स से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट्स से आपको लगता है टाटा मोटर स्टॉक नीचे आएगा, तो आप कैरी फॉरवर्ड सेलिंग भी कर सकते हो। लेट्स से मैंने 100 रुपए में बेचा और वो सेलिंग पोर्शन को मैं होल्ड रख सकता हूँ। अब फ्यूचर सेगमेंट में और कैश सेगमेंट में फर्क ये है कि कैश सेगमेंट में अगर आपने कोई स्टॉक सेल किया तो आपको स्टॉक का डिलीवरी देना पड़ता है, आपको डिलीवर करना पड़ता है शेयर्स क्वांटिटी। लेकिन फ्यूचर्स में आपको किसी को कोई डिलीवरी नहीं देना है। सो इट्स लाइक अ नोशनल प्रॉफिट, नोशनल गेम। सो लेट से अगर आप कोई स्टॉक सेल कर रहे हो तो आपको किसी को डिलीवरी नहीं देना है यहाँ पर। ये सेलिंग आपका पोजीशन सिर्फ ओपन रहेगा और डिफरेंस के हिसाब से, प्राइस डिफरेंस के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। यू हैव टू पे ओनली 15-20% मार्जिन सो टू टेक द पोजीशन। इसका मतलब ये है कि लेट से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, लेट से आपने टाटा मोटर्स का एक लॉट खरीदा, एक लॉट साइज है लेट से 2000 शेयर्स का, एंड लेट से टाटा मोटर का प्राइस है 70 रुपीज। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो करीबन कॉस्ट आता है 1,40,000। 1,40,000 का आपको सिर्फ 20% ही देना पड़ेगा। तो आपको लेट से आपने जितने का भी पोजिशन खरीदा है, 2 लाख रुपए का खरीदा या 3 लाख रुपए का खरीदा पोजिशन, लेकिन आपको उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं देना है। जैसे आपको कैश मार्केट में पूरा पैसा देना पड़ता है 100%, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट है 15-20% ही आपको मार्जिन पे करना है। नाउ यू हैव टू ट्रेड लॉट साइज क्वांटिटी डिसाइडेड बाय एक्सचेंज। तो ईच एंड एवरी स्टॉक का एक प्री डिफाइंड लॉट साइज होता है, एक्सचेंज का प्री डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो 75 शेयर्स प्री डिफाइंड है। तो निफ्टी में आपको, अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, मिनिमम ऑर्डर साइज है 75 शेयर्स। वैसे ही बैंक निफ्टी में मिनिमम ऑर्डर साइज है 20 शेयर्स। तो ऐसे ही ईच एंड एवरी स्टॉक के लॉट साइज अलग अलग प्री डिफाइंड है एक्सचेंज के, एंड आपको उसी के क्वांटिटी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो कैश मार्केट में जैसे आप
अपने हिसाब से कंटेंट में ट्रेड कर सकते हो, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर। फ्यूचर में यहाँ पर ऐसा नहीं है, फ्यूचर में आपको एक्सचेंज के हिसाब से क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉट साइज। दिस वर्क्स बोथ इन राइजिंग मार्केट एंड फॉलिंग मार्केट एज वेल। सो फ्यूचर्स में आप पैसा कमा सकते हो, राइजिंग मार्केट में भी, फॉलिंग मार्केट में भी। अगर लेट से अप ट्रेंड मार्केट है, राइजिंग मार्केट है, तो आप बाइंग करके कमा सकते हो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस करके, और लेट से डाउन ट्रेंड मार्केट है, मार्केट गिर रहा है, तो आप शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब सिंपल सेलिंग करना और सेलिंग पोजीशंस को होल्ड रखना, करेक्ट। एंड एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज अ एक्सपायरी डे। सो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उसको एक्सपायरी डे बोलते हैं, और एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेडर्स के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स गेट सेटल्ड ऑन एक्सपायरी डे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टाटा मोटर सेल किया 70 रुपीज में और एक्सपायरी डे के दिन उसका प्राइस हो गया 67, तो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। तो जो भी अमाउंट आएगा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पोर्शन स्क्वायर अप हो जाएगा थर्सडे को एक्सपायरी डे के दिन, और आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। एवरी डे MTM मार्क टू मार्केट मार्जिन यू हैव टू डेबिट और क्रेडिट इन योर अकाउंट। एवरी डे आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट होता जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने इंडसइंड बैंक कैश मार्केट में खरीदा 600 रुपए में और लेट से प्राइस हो गया 500, तो आपको वहां पर कोई MTM डेबिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा 100% इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे किया है, बट यहाँ पर आपका MTM डेबिट होता रहेगा। MTM मतलब आपने 600 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा और लेट से उसका रेट हो गया 500, तो आपको 100 रुपए का लॉस हो रहा है मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। तो जो भी लॉस का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ब्रोकर आपसे चेक मांगेगा, दैट इज कॉल्ड MTM अमाउंट। जो एवरी डे प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा उसको बोलते हैं MTM अमाउंट, मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब आते हैं ऑप्शन सेगमेंट में। तो ऑप्शन सेगमेंट में भी बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर अलाउड, मतलब आप बाइंग भी कर सकते हो ऑप्शंस को, सेलिंग भी कर सकते हो। बट ऑप्शन सेगमेंट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। ऑप्शन सेगमेंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कैश सेगमेंट में, फ्यूचर सेगमेंट में आप पर्टिकुलर प्राइस पे बेटिंग कर रहे हो, राइट, पर्टिकुलर प्राइस पे कि प्राइस स्टॉक का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट ऑप्शन में आप पर्टिकुलर प्राइस पे बेटिंग नहीं करते, ऑप्शन में आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ द स्टॉक पे बेटिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको लगता है कि टाटा स्टील ये एक्सपायरी में, ये मंथ में 500 रुपए के ऊपर जाएगा, तो आप 500 रुपए के ऊपर जाएगा ये बेटिंग कर रहे हो। अब स्टॉक भले ही 450 हो चाहे 460 हो, आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब स्टॉक 500 के ऊपर जाएगा। तो लेट से अगर स्टॉक 450 से 490 होता है तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेटिंग ये था कि स्टॉक 500 के ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पर टाटा स्टील के प्राइस मूवमेंट पे बेटिंग नहीं कर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे बेटिंग करना है। लेट से 500 के ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, लेट से आपको लगता है कि 500 के ऊपर नहीं जाएगा तो आप कॉल सेल करोगे, करेक्ट। सो ऑप्शंस में आप स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पे बेटिंग नहीं करते, उसके बजाय आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ द स्टॉक पे बेटिंग करते हो। यहाँ पर बेटिंग अमाउंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको लगता है कि टाटा स्टील 300 के ऊपर जाएगा, तो 300 का जो भी कॉल रहेगा उसका प्रीमियम बहुत कम होता है एंड मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी 5,000, 10,000, 15,000 से ज्यादा नहीं आता है। सो ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम होता है, और अगर आप राइट होते हो 300 के ऊपर कितना भी गया तो रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड। सो मिनिमम अमाउंट में ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो ऑप्शंस में। सो इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं बाय कॉल एंड बाय पुट ट्रेडिंग करके। यहाँ पर भी आपको लॉट साइज के हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो लेट से टाटा स्टील का अगर लॉट साइज फ्यूचर में 1000 है, तो टाटा स्टील के सारे ऑप्शंस का भी लॉट साइज 1000 ही होगा। एंड सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज अ एक्सपायरी डे। सो एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज अ एक्सपायरी डे, मतलब थर्सडे को एक्सपायरी डे के दिन जो भी आपके ऑप्शंस के प्रीमियम है ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने 300 का कॉल खरीदा 2 रुपए में और आपने बेटिंग किया था कि टाटा स्टील 300 के ऊपर जाएगा। लेट से टाटा स्टील का एक्सपायरी हुआ 260 के रेट पे, तो वो 300 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इट मींस यू आर रॉन्ग इन योर बेटिंग। तो आपका जो 2 रुपए का कॉल था वो उसका प्रीमियम हो जाएगा 0 एंड आपको 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। सो इस तरीके से सारे ऑप्शंस के प्रीमियम ऑटो सेटल्ड हो जाएंगे एक्सपायरी डे के दिन। एंड एक्सपायरी सेटलमेंट जो होता है वो NSE कैश मार्केट के रेट के हिसाब से होता है, मतलब
टाटा स्टील का जो कैश मार्केट का प्राइस होगा उसके हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आपको MTM डेबिट क्रेडिट पे करना पड़ता है, बट ओनली इन सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, बाइंग ऑफ ऑप्शंस में MTM नहीं होता है, सेलिंग ऑफ ऑप्शंस में MTM पे करना पड़ता है। एंड ऑप्शंस जब आप बाइंग करते हो तो बाय करने के प्रीमियम बहुत कम होते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है बहुत कम, 3,000, 5,000, 10,000, बट आपका रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है अगर आप राइट होते हो तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 300 रुपये का कॉल खरीदा 2 रुपये में टाटा स्टील का, और टाटा स्टील का एक्सपायरी हुआ 350 पे, तो आपका बेटिंग ये था कि 300 के ऊपर जाएगा और एक्सपायरी हुआ 350 पे, यानी यू आर राइट 50 पॉइंट्स इन योर बेटिंग, करेक्ट 50 पॉइंट आप राइट हो, आप अपने बेटिंग में माइनस 2 रुपीज, जो कि आपने कॉल बाय किया था 2 रुपीज में, विच इज योर कॉस्ट प्राइस। सो 50 पॉइंट्स आप राइट हो माइनस 2 रुपीज, यानी आपको प्रॉफिट आएगा 48 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज लेट्स से 1000, तो आपका प्रॉफिट आएगा 48,000 ऑन अ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 2000। तो ऑप्शंस में अगर आप राइट होते हो तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आता है, ऑप्शंस में अगर आप रॉन्ग होते हो तो आपको लिमिटेड लॉस होता है, एक स्मॉल अमाउंट लॉस होता है। अगर आपको ऑप्शंस एडवांस लेवल पे सीखना है, ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग सीखना है, मैंने एक ऑनलाइन ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स डिजाइन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, एंड यू जस्ट गो थ्रू विद दैट लिंक इफ यू वॉन्ट टू लर्न ऑप्शंस इन एडवांस लेवल। Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.